अस्सलाम वालेकुम, जुलेखा के दुनिया में वेलकम है। देखिए ये हमारा अमरूद का पौधा है, इसमें कितनी फूल आई हुई है और फल भी आ रही है देखिए, और इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। अभी और भी फूल फल आएगी। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए बहुत कम ही फूल आई हुई है, और इसमें मैं कुछ खाद उद डालने जा रही हूँ जो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या इसमें डालने जा रही हूँ। देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। ये हमारी अमरूद के पौधा थोड़ी पुरानी है लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, इसमें फूल भी आ रही है फल भी आ रही है, तो मैं सोची आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है। अभी ये हमारी बड़ी ग्रो बैग में इसको मैं लगाई हुई हूँ। इसकी देखिए स्टेम कितनी मोटी है, देखिए सभी जगह फूल आने वाला आ रही है। इसे मैं थोड़ा गुड़ाई उड़ाई कर लेती हूँ। देखिए कितनी जंगल झाड़ हो गई है जो थोड़ा मैं हटा ली हूँ, और उसके बाद इसे मैं गुड़ाई कर ले रही हूँ। सारा मिट्टी को चारों तरफ से मैं पहले गुड़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद इसमें मैं क्या डालूँगी वो दिखाती हूँ। देखिए इसमें सब घास का जो रूट सब है उस सब को निकाल के हटा देना है, नहीं तो जो भी मैं खाद डालूँगी उसकी एनर्जी सारा वही ले लेगी, इसलिए मैं चारों तरफ से गुड़ाई पहले कर लेती हूँ और मिट्टी को चढ़ा देती हूँ। देखिए ये हमारा खाद है, ये मैं डालने जा रही हूँ। ये बर्मी कंपोज है, करीब ये 5-6 मुट्ठी होगी, और इसमें देखिए ये माइक्रोराजा है। माइक्रोराजा रूट के लिए है, इस रूट को बहुत अच्छा बना देगी। ये जो माइक्रोराजा है ये बहुत फायदे वाली चीज़ है, रूट को एकदम स्ट्रॉन्ग बना देती है, बैक्टीरिया जो भी ख़राब बैक्टीरिया को मारकर अच्छी बैक्टीरिया पैदा करती है, जड़ को कोई बीमारी नहीं होने देती है, जड़ को बहुत अच्छा मजबूत करती है। और इसमें मैं केला के छिलका डाल रही हूँ। केले के छिलके में मैग्नीशियम फास्फोरस कैल्शियम होती है, इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ। और मैंने तो है माइक्रोराजा बहुत अच्छी होती है, जड़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, जड़ में कोई बीमारी नहीं आने देगी। लेकिन देखिए ये नीम खली भी मैं 2 मुट्ठी ली हूँ। नीम खली तो जानती ही हैं क्या काम आती है, नीम खली डालना भी ज़रूरी है। नीम खली भी डालने से बहुत फ़ायदा करती है फल फ्रूट में। डालिए इस तरह से, मैं देखिए 4 चीज़ डाली हूँ, इन चारों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी पहले। देखिए इस तरह से हाथ से मैं इसे पहले सभी को मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीक़ा से। देखिए इस तरह से, देखिए ये चारों तरफ मैं डालने जा रही हूँ। इसको डालने से और भी हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, इसमें जो भी फल फ्रूट आएगी तो मैं दिखाऊंगी इसकी क्या अपडेट आती है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। अभी मैं डाल देती हूँ पहले चारों तरफ से, मिट्टी हटा दी हूँ ऊपर चढ़ा दी हूँ मिट्टी को, और तब ये खाद को मैं चारों तरफ इसे डाल दे रही हूँ। देखिए इस तरह से इसमें लगा कर इस तरह से डाल दे रही हूँ चारों तरफ। देखिए उसकी रूट भी नज़र आ रही है, देखिए वाइट वाइट रूट। सॉरी, देखिए अब चारों तरफ से मैं खाद डाल दी हूँ, और उसके बाद मैं इसमें
हमारी मिट्टी बनी हुई रहती है, वो मिट्टी मैं ऊपर से डालूंगी इसमें। पहले इसे मिला लेती हूँ, इस तरह से देखिए। इस तरह से आप लोग भी मैको राजा को ज़रूर डालिए, जड़ को बहुत मजबूती देगी, जो भी बैक्टीरिया अगर जड़ में होगी उसको मार देगी, अच्छी बैक्टीरिया को ये लाएगी और रूट को बहुत मजबूत करेगी। तो इसके बाद फल फूल भी बहुत अच्छे से आएगी। देखिए ये मिट्टी हमारी बनी हुई है, मैं रखी रहती हूँ, वो थोड़ा डाल दे रही हूँ चारों तरफ से, और उसके बाद जो ये उठाकर जो मैं मिट्टी रखी हूँ वो फिर फैला दूंगी इसमें। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से मिट्टी डाल दी हूँ सब तरफ से, और उसके बाद से ये मिट्टी जो उठाकर रखी हूँ उसको फैला देती हूँ। अभी मैं पानी नहीं डालूंगी इसलिए कि बारिश के जैसा मौसम हुआ हुआ है, शायद बारिश होगी इसलिए अभी मैं पानी नहीं डालूंगी। अगर बारिश नहीं होगी तो शाम को मैं डालूंगी इसमें पानी। ये हमारी पौधा बहुत पुराना पौधा है, इसमें पहले भी इसमें अमरूद आ चुकी है। एक और हमारे पास, ऐसे तो हमारे पास कई पौधा है अमरूद का, लेकिन इसमें तो मैं डाली हूँ खाद पानी। एक और देखिए यहाँ बाल्टी में है पौधा, इसमें भी मैं सोच रही हूँ डाल देती हूँ। देखिए इसकी ग्रोथ भी अच्छी है, अभी इसमें फल फूल कुछ नहीं आई है। अब इसमें इसको भी मैं गुड़ाई करके इसमें भी कुछ खाद डाल दे रही हूँ और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। इसमें मैं थोड़ा हल्दी डाल रही हूँ, इसमें हल्दी डाल रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें बर्मी कंपोस्ट डालूंगी और मैको राजा भी डालूंगी। देखिए ये रूट को ठीक करने वाली है। देखिए ये भी थोड़ा मैं डाल देती हूँ और उसके बाद मैं इसमें बर्मी कंपोस्ट डालूँगी। देखिए हमारी जानकारी कैसी लगती है, हमारी वीडियो कैसी लगती है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखिए ये बर्मी कंपोज में डाल दे रही हूँ और आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए। इसमें नीम खली भी मैं डाल रही हूँ। इसमें भी थोड़ा मिट्टी मैं डाल दे रही हूँ, नई मिट्टी है ये। अभी इस पौधे में हमारा ना फूल आई है ना फल आई है, कुछ भी नहीं आई है, एक बार भी फल फूल कुछ नहीं आई है। उस पौधे में तो कई बार हमारा अमरूद भी हुई है, अब इसमें आती है तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। इस तरह से मिट्टी डाल दे रही हूँ, इसमें भी अभी पानी नहीं डालूंगी। देखिए इस तरह से आप लोग भी, अभी बरसात का सीजन है, अभी आप लोग भी अमरूद का पौधा लगाइए। उस पौधे में तो हमारा बहुत मीठा अमरूद होती है, उसकी अमरूद का साइज छोटी रहती है लेकिन बहुत ही मीठा रहती है। अल्लाह हाफिज़।